सन 2019 में धारा 370 के निरस्तीकरण और तत्पश्चात घाटी में शांति स्थापित होने के बाद मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था घाटी में यहाँ की पुरानी सभ्यता एवं संस्कृति को पुनर्जीवित करना। प्रदेश में संस्कृति के पुनरुद्धार हेतु कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें से एक है यहाँ के मंदिरों व आस्था केंद्रों का जीर्णोद्धार किया जाना। जनवरी 2023 में एलओसी के पास स्थित कुपवाड़ा में मां शारदा देवी मंदिर का गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन व नव निर्मित मंदिर में आजादी के बाद श्रद्धालुओं के लिए पहली पूजा के लिए खोला जाना इस बात का संकेत है। शारदा पीठ भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक विरासत का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। मोदी सरकार की योजनाओं एवं पहलों के फलस्वरूप अमरनाथ तीर्थ जाने वाले श्रद्धालुओं में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। हर अमरनाथ यात्री को RFID कार्ड दिए गए। यात्रा के मार्ग में बेहतर संचार और किसी भी सूचना के प्रसार के लिए मोबाइल टावर बढ़ाए गए हैं। भूस्खलन होने की स्थिति में तुरंत मार्ग खोलने के लिए मशीनें तैनात की गई हैं। इतना ही नहीं, पर्याप्त चिकित्सा बेड और किसी भी आपात चिकित्सा स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और उनकी रिफिलिंग सुनिश्चित करने के साथ साथ इसका पर्याप्त स्टॉक रखने और डॉक्टरों की अतिरिक्त टीमें उपलब्ध कराई जा रही हैं। सदियों से घाटी में कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रमुख केंद्र माता खीर भवानी मंदिर, जहां प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण लोग जा नहीं पाते थे, वहां अब श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सन 2023 में खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों के साथ साथ घाटी के स्थानीय लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मेले में लोगों की अभूतपूर्व संख्या में शामिल होना इस बात का संकेत है कि घाटी की पुरानी संस्कृति अब पुनर्जीवित हो चुकी है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रतिबद्धता से वचनबद्ध मोदी सरकार द्वारा संस्कृति के पुनरुद्धार हेतु और भी कई सराहनीय पहल किए गए हैं। 123 चिन्हित स्थानों का व्यवस्थित रूप से जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। इनमें कई मंदिर और सूफी स्थान शामिल हैं। हजरत बल तीर्थ स्थल के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 42 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। 75 धार्मिक और सूफी संतों के स्थानों की पहचान कर पुरानी विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राज्य में जगह जगह मेगा सांस्कृतिक उत्सव भी कराए जा रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की पुरानी विरासत को पुनर्जीवित करने में मदद मिल रही है। आज देखिए, जिस कश्मीर में कुछ साल पहले 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, वही कश्मीर आज वितस्ता महोत्सव के माध्यम से कलाओं को समन्वय कर आगे। कई वर्षों के बाद हुए वितस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर से देश भर के लोगों को जम्मू कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और विरासत को जानने का मौका मिला है। और जम्मू कश्मीर वूल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2020 द्वारा पुलहोर बनाने की सदियों पुरानी कला को पुनर्जीवन दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयास और गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से धारा 370 के निरस्तीकरण के पश्चात शांति स्थापित होने से जम्मू कश्मीर एक बार पुनः अपनी पुरानी परंपराओं और सभ्यता की ओर लौट रहा है।